दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों झारखंड में गठबंधन के बाद क्या होगा 81 सीटों का एग्जिट पोल, आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, इसके अलावा 13 सीटों पर रहेगी कांटे की टक्कर, जो इन 13 सीटों को जीता है वही होगा अगला सिकंदर। जी हां दोस्तों, झारखंड के लिए काफी बड़ा यहां पर सर्वे निकल कर सामने आ रहा है। इससे पहले हमने सट्टा बाजार के रुझान भी जाने हैं, क्या कहता सट्टा बाजार। तो 2014 के भी आंकड़े अगर आपको दिखाएं तो बीजेपी 37 सीटें किसी को अब तक पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड ने नहीं दी है, लेकिन इस बार बीजेपी 65 पार का नारा लेकर चल रही है। इसके सहयोगी जिस पार्टी को 5 सीट मिली इस बार वो भी इससे अलग हो चुके, जबकि जेएमएम 19 कांग्रेस 7 और जेबीएम 8 सीटों पर 2014 में जीते थे और 6 सीटें अन्य के खाते में गईं। लेकिन 2019 के लिए अलग अलग यहां पर हो चुकी है बीजेपी, लेकिन यहां पर महागठबंधन क्या रूप लेगा, क्या महागठबंधन की ही यहां पर सरकार बनेगी, इसके लिए बेहद ही चौंकाने वाले कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का जो महागठबंधन है वो बीजेपी को कैसे टक्कर दे सकता है, इन 13 सीटों में से कितनी सीटें यहां पर महागठबंधन को जा सकती हैं। ताला मरांडी को यहां पर 57,000 वोट यहां पर मिले लगभग, और जेएमएम के लूविन हेम्ब्रम को 56,853 मत मिले। अंतर मात्र रहा कि 712 मतों का यहां पर बीजेपी का जीत का अंतर रहा। ये 2014 में अलग अलग ये थे तब ये आंकड़े निकल कर आए, लेकिन इस बार ये महागठबंधन, देखिए कांग्रेस के क्या आंकड़े यहां पर निकल कर आते हैं। कांग्रेस के लिए यहां पर देखें आप तो 2673 मत मिले, तो मतलब ये है अगर ये 7 आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को मुश्किलें हो सकती हैं। बीजेपी के लिए ये आसान सीट नहीं होगी। अब मधुपुर की अगर बात करें तो मधुपुर विधानसभा सीट से राज्य परिवार ने यहां पर 74,000 लगभग मत यहां पर मिले, जबकि जेएमएम के हाजी हुसैन को यहां पर जो है यहां पर 67,000 यहां पर 441 वोट मिले, जीत का अंतर 6,000 के लगभग रहा। लेकिन कांग्रेस के अगर वोट यहां पर मिला दिए जाए तो देखिए 8,900 यहां पर 37 वोट यहां पर कांग्रेस के खाते में गए। इस बार ये 7 मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी को यहां पर मधुपुर में भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर ताजमहल की बात करें तो ताजमहल के लिए नई पार्टी यहां पर उभर कर आई है जो है AIMIM। जहां दोस्तों ताजमहल सीट पर AIM बड़ा यहां पर रोल अदा कर सकती है। और महागठबंधन अगर आप देखें तो यहां पर अगर सबसे पहले तो बात करें बीजेपी के लिए, तो बीजेपी ने यहां से अनंत ओझा ने सीट को जीता था, लगभग 77,000 वोट उनको मिले, लेकिन देख सकते हैं 76,000 वोट यहां पर कह सकते हैं जेएमएम के खाते में भी गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 702 मतों का अंतर रहा हार का। और यहां पर आरजेडी अगर देखें तो आरजेडी भी यहां पर महागठबंधन का रूप है, तो 5,000 वोट इनके खाते में गए। अगर ये एकजुट हो जाते हैं तो फिर बीजेपी को कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। दुमका सीट की बात करें तो दुमका विधानसभा पर बीजेपी की यहां पर लुईस मरांडी को लगभग 70,000 मत मिले, लेकिन आप देखें तो यहां पर कि जो जेएमएम के हेमंत सोरेन जो कि यहां पर अध्यक्ष हैं, और इस बार महागठबंधन के हेमंत सोरेन ही यहां पर कह सकते हैं मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और पहले ही यहां पर तय हो चुका है कि कितने सीटों पर कौन लड़ेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये एक बहुत यहां पर कह सकते हैं कि सबसे अहम बात थी कि मुख्यमंत्री यहां पर सामने आ चुका है। और यहां पर अगर बात करें तो यहां पर 74,800 मत यहां पर मिले, लगभग 65,000 वोट यहां पर हेमंत सोरेन के पक्ष में गए, 69,000 वोट यहां पर बीजेपी के लिए, अंतर सिर्फ यहां पर लगभग 5,000 वोट का रहा। कांग्रेस को यहां पर लगभग 3,500 वोट मिले, लेकिन अगर यहां पर जो गठबंधन है वो यहां पर अगर गठबंधन को वोट जाता है तो बीजेपी को इस सीट को जीतना काफी आसान नहीं होगा। अगली विधानसभा सीट गांधी विधानसभा सीट की बात करें तो सीट को बीजेपी ने 2014 में जीता था, और जयप्रकाश वर्मा को यहां पर लगभग 48,800 यहां पर 38 वोट मिले, जेएमएम के खाते में लगभग 38,559 मत गए, बीजेपी का जीत का अंतर 10,000 वोटों का रहा। लेकिन अगर बात करें तो कांग्रेस के सरफराज अहमद को यहां पर 35,000 वोट मिले, और 35,000 वोट अगर यहां पर जेएमएम के खाते में मिला दिए जाते हैं तो फिर बीजेपी से कई ज्यादा ये गठबंधन आगे निकल जाता है, ये आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। बात करें ससई के लिए तो ससई विधानसभा सीट के लिए दिनेश उमराव को यहां पर 44,000 वोट मिले और बीजेपी ने इस सीट को जीता। लेकिन अगर बात करें जेएमएम के लिए यहां पर 41,800 वोट लगभग मिले, और बीजेपी का अंतर रहा मात्र 2,500 वोट के अंतर से बीजेपी ने सीट को जीता है। लेकिन श्री यहां पर उमराव ने 26,152 वोट हासिल किया जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे,
ये साथ हैं तो कहीं ना कहीं इस सीट पर काफी कड़ी टक्कर देखने को 2019 के अंदर मिल सकती है। घाटसला के लिए अगर बात करें तो घाटसला के लिए जो आंकड़े हैं, बीजेपी ने सीट को 2014 में जीता, 52,000 वोट लगभग इनको मिले। जेएमएम से रामदास सोरेन को यहां पर 46,000 वोट मिले, जीत का अंतर रहा 6,000 की समथिंग। और जबकि कांग्रेस को यहाँ पर कह सकते 36,672 मत मिले, साथ हैं तो इस सीट पर काफी समीकरण बिगड़ सकते हैं। पोटका की अगर बात की तो पोटका विधानसभा सीट को मेनका सरदार ने लगभग यहां पर 68,000 वोटों के अंतर से जीता, लेकिन जेएमएम के संजीव यहां पर सरदार को 61,000 वोट मिले, कांग्रेस के लिए यहां पर 14,000। ये साथ हैं तो कहीं ना कहीं सीट पर भी कड़ी टक्कर 2019 को देखने को मिलेगी। गुमला विधानसभा सीट के लिए अगर बात करें तो बीजेपी के शिव शंकर मराव ने यहाँ पर 50,000 लगभग वोट इनको मिले, और जेएमएम के भूषण त्रिकी के लिए यहाँ पर 46,441 वोट हासिल हुए। वही कांग्रेस के लिए यहाँ पर 12,800 वोट यहाँ पर मिले। अगर यहाँ पर ये साथ हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। जुगसलाई की बात की तो जुगसलाई विधानसभा सीट के लिए बीजेपी के सहयोगी एजीएस पार्टी जो गठबंधन था वो इस बार चुनावी मैदान में था, और रामचंद्र साहित के लिए 82,000 लगभग वोट मिले, लेकिन जेएमएम के लिए यहां पर 57,000 वोट मिले। और यहां पर कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए लगभग यहां पर कह सकते हैं कि 42,000 वोट मिले, साथ रहेंगे तो एजीएस जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं सीट को जीतने का दम भर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सीट पर गठबंधन आगे हो सकता है। मणिका के लिए अगर बात की तो मणिका विधानसभा सीट पर बीजेपी के हरिकृष्ण सिंह ने 31,583 वोट हासिल किए। आरजेडी इस बार चुनावी मैदान में है और आरजेडी ने यहां पर दूसरे नंबर पर रही थे, 30,000 वोट इनको मिले, जीत का अंतर 1,000 वोट के समथिंग था। तो इस बार अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए यहां पर 27,000 वोट मिले, और ये साथ हैं कांग्रेस, आरजेडी और कह सकते हैं कि जेएमएम, तो बीजेपी को काफी मुश्किल का सामना यहां पर करना पड़ सकता है। गढ़वा की बात करें तो गढ़वा विधानसभा सीट के लिए बीजेपी के सत्यनाथ तिवारी 75,000 समथिंग वोट इनको हासिल हुए 2014 में और जीत दर्ज की, लेकिन यहां पर बात करें तो आरजेडी गिरिनाथ सिंह को यहां पर 53,000 वोट मिले, और इसकी अगर बात करें तो जेएमएम के खाते में गए 43,000 वोट, और इसका अगर आपको मेल कर दिया जाए तो लगभग 1,00,000 के समथिंग वोट परसेंटेज होता है, और बीजेपी से कहीं आगे ये निकल जाते हैं, तो महागठबंधन कहीं ना कहीं आगे सीटों पर नजर आ रहा है। बागोदर की बात की तो बागोदर विधानसभा सीट पर बीजेपी के नागेंद्र महतो ने यहाँ पर 75,000 समथिंग वोट हासिल किए, और सीपीआई के माले विनोद सिंह यहाँ से 70,000 वोट मिले। तो इस तरह से बीजेपी ने सीट को जीता, लेकिन जीत का अंतर था सिर्फ 4,339 मतों से, यहां पर बीजेपी जीती। तो इस प्रकार से जेएमएम को सिर्फ 7,000 वोट मिले, लेकिन यहां पर सीपीआई का पलड़ा यहां से बगुदर से काफी आगे नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये कुछ हमने आंकड़े आपको देखा है झारखंड की 81 सीटों के लिए, पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन झारखंड की वो 13 सीटें जो 2014 में बीजेपी ने जीती, लेकिन 2019 के लिए जो महागठबंधन है, और अगर ये वोट एक साथ पड़ जाते हैं महागठबंधन के खाते में तो बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है, ये ताजा आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको क्या लगता है इन 13 सीटों में बीजेपी को कितनी सीट मिल सकती हैं और महागठबंधन को कितनी सीट जा सकते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इन 13 सीटों में किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, इसके संबंध में नए आंकड़े नए एग्जिट पोल आते हैं सामने, तो उसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे, और एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।